कुछ इस तरीके से आपको हाई लोड पर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो कपड़ा ये वाला कपड़ा भी चेंज हुआ, यहाँ पे सिलाई वगैरह लगी है ताकि डिजाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया लगे। गाड़ी में मान लो कुछ बिखर भी जावे, वाटर प्रूफ है, वहीं के वहीं रुक जाएगा। इसके जो पिलर है ना भाई, पिलर भी हुआ है और पिलर की क्वालिटी आप चेक आउट कर सकते हो भाई। हेलो गाइस, मैं सफर आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ भाई एक और नई वीडियो। तो भाई आप पहचान चुके होगे जो वीडियो हमारी किस पर है, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा, अब आपने गाड़ी भी देख ली होगी। तो भाई यहाँ पे खड़ी हुई दो स्कॉर्पियो, एक वो वाली, ये अपनी S11 है। तो भाई काम चल रहा है इस गाड़ी के अंदर, वो वाली गाड़ी भी हमारे पास से अभी मॉडिफाई हुई है पूरा, उसको कंपोनेंट वगैरह सारा काम लगा है। बट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई ये वाली गाड़ी, जिसका भाई पूरा इंटीरियर जो वो चेंज हो रहा है, सारे पिलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, लाइटें वगैरह इसमें HID और LED का काम हुआ है, प्लस IPS प्रोजेक्टर का काम हुआ। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को, एक बार इस गाड़ी का पूरा आपको रिस्पॉन्स। प्रेजेंटिंग यू 2022 की स्कॉर्पियो अपनी, जो कि भाई पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन इसके अंदर की गई है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट से जो हमारी जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है, खूबसूरत लगी है। उस टाइम दिन का टाइम है तो तब भी हमने देखो उसकी HID और LED जला रखी है, काफ़ी दूर से आप फोकस कर सकते हो कि दिन के टाइम में भी इतनी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। तो भाई अब बात करते हैं इसके हेडलाइट की। तो हेडलाइट में आप चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसका जो प्रोजेक्टर है, इसके अंदर हमने यूज़ किया HID और यहाँ पे हमने यूज़ किया LED, ताकि आप डिपर जो है वो ढंग से, आपका जो डिपर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करे। और उसका जो रिस्पांस है भाई नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, बट मैं नाइट का रिस्पांस आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो भाई बाकी डिपर की बात कर लेते हैं, डिपर एक बार भाई देख लो, कुछ इस तरीके से आपको हाई लो डिपर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और गाड़ी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसके बाद इसका जो सारा काम है भाई, इंटीरियर काम चल रहा है, तो यहाँ पे सीट्स वगैरह खुली हुई है इसी गाड़ी की ना भाई। तो भाई यहाँ पर मैं आपको मिलाता हूँ भैया से, क्या हाल है भैया? राम राम जी, बढ़िया भाई। बढ़िया भाई जी। तो गाड़ी भाई आप ये किस टाइम पे लेके आए थे आज हमारे पास? भाई सुबह लेके आए हो 11 बजे से। 11 बजे से लेके आए हो भाई, क्या क्या करवा रहे हो आज इसके अंदर आप? भाई हमें लाइटिंग को काम हुई हो, हाँ, नीचे फ्लोरिंग हुई है, हाँ, और भाई सीट कवर ऊपर रूफ जो होती है, बिल्कुल सारे पिलर, ओके, और भाई छोटा मोटा काम, मतलब फुल्ली इंटीरियर आपने स्कॉर्पियो का पूरा मॉडिफाइड करवा दिया गाड़ी को। बिल्कुल भाई, गाड़ी वैसे जो है भाई ब्लैक कलर में गाड़ी जो वो अलग ही उठती है। और भाई बात करते हैं अलॉय की, तो कंपनी वाले अलॉय है अभी इसके अंदर? हाँ भाई, है ना? हाँ भाई, ठीक है। और क्या, और कुछ भी लगवाया इसके अंदर अलग से, कुछ और विचार? हाँ भाई, लाइट वाइट लगवा रखी है। अच्छा, हूटर लगवाया? अच्छा, हूटर लगवा रखा भी है ना, और यहाँ पे देखो ये लाइट वगैरह लगा रखी है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। इसके बाद भाई चलते हैं इंटीरियर की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसकी जो सीट है वो भाई एक सीट आपकी यहाँ पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए, और एक यहाँ मिल जाएगी, और बाकी पूरा का पूरा जो इंटीरियर है खुला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब गाड़ी जो तैयार हो रही है इस टाइम पर, जो इंटीरियर इसका तैयार हो रहा है। और यहाँ पर देखो छत भी लग रही है इसकी, जो रूफ है। और भैया कितने टाइम में लग जाएगी? आधे घंटे के अंदर भाई रूफ लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको रूफ की भी दिखाता हूँ भाई, क्या बढ़िया लगेगी। और उसके बाद भाई आपको सिनेमेटिक में थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर वगैरह का सीन रहता है, तो वो मैनेज कर लेना भाई थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए कोई क्लैरिटी लेके आता है आपको भाई। तो भाई ये चीज़ भी चेकआउट कर सकते हो, बाकी यहाँ गेट देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना कपड़ा आता है, तो भाई ये कपड़ा भी देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो भाई अभी जैसे कि आप देख सकते हो पीछे का भी काम चल रहा है, यहाँ पर भी भाई इसका जो कपड़ा, ये वाला कपड़ा भी चेंज हुआ है, यहाँ पे सिलाई वगैरह लगी है ताकि डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। इसके बाद भाई यहाँ देख लो फ्लोरिंग का, पूरी गाड़ी में आगे से पीछे तक पूरा फ्लोरिंग डला है। तो भाई ये फ्लोरिंग मतलब आपने डलवाई है, भैया ने सजेस्ट करी थी क्या सीट है? भाई भैया ने सजेस्ट करी थी कि सबसे बढ़िया क्वालिटी है, और इससे बढ़िया कोई क्वालिटी है नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पूरे मार्केट में, ठीक है। तो आपको इसका फायदा पता है वैसे, इसका क्या फायदा होता है? हाँ भाई, फायदा इसको, हम तो देखो भाई पीने खाने आदमी है। अच्छा, गाड़ी में मान ले कुछ बिखर भी जावे, हाँ, वाटर प्रूफ है, वहीं के वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने बिल्कुल सही बात करी भाई, अगर कुछ भी चीज गिरती है यहाँ पे तो भाई आप इजिली इसको साफ कर सकते हो भाई, काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहती है। और पूरा देख रहे हो भाई, मतलब मैट से तो बढ़िया है, इसके ऊपर मैट और आ जाएंगे तो उसके बाद बातचीत बिल्कुल अलग हो जाएगी। और गाड़ी की जो मैटिंग है काफी ज्यादा बढ़िया है, और देख रहे हो एक आता प्लेन वाला, एक आता डिज़ाइन वाला, तो ये डिज़ाइन भी है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। उसके बाद ये देख सकते हो आप, इसका पूरा का पूरा रूफ तैयार हो रहा है भाई, ये देखो, ये समथिंग इसका रूफ है, ठीक है। तो भाई अभी ये पूरा का पूरा रूफ इसका कसर है, जब ये पूरी सीट वगैरह सब कुछ लग जाएगी उसके बाद इसका इंटीरियर देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है भाई गाड़ी। तो भाई जो गाड़ी का काम चल रहा है वो अपना ललित कार रजिस्ट्री भी चल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब भाई लोग जो काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करते हैं। और देख सकते हो भाई पूरी की पूरी जो स्कॉर्पियो वो खुली हुई है इस टाइम पर, और यहाँ पर अभी इसके जो पिलर है ना भाई, पिलर भी हुए हैं, और पिलर की क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ये कुछ पिलर की क्वालिटी है भाई, ठीक है। जो कि भाई भाई लगा रहे हैं अभी, और इसको भी मतलब अप्रोक्स आधे घंटे के आसपास में ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और जो गाड़ी है वो अपनी भाई तैयार। एक बार भाई साइड से भी देख लो गाड़ी को, गाड़ी जो लग रही है साइड से कुछ ऐसी है, ब्लैक कलर में आपने गाड़ी देखी होगी स्कॉर्पियो, और भाई यहाँ पे भाई ने ड्रम वगैरह इसके येल्लो करवा रखे हैं। तो भाई मतलब स्टॉक के अंदर भी आप कुछ ना कुछ करवा सकते हो जिससे गाड़ी आपकी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है भाई। स्कॉर्पियो गेट के अंदर आप यहाँ पर भी कपड़ा लगवा सकते हो, जो कि भाई कपड़ा आप किसी भी कलर का लगवा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। गाड़ी ब्लैक है तो आपने ब्लैक लगवा रखा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। गाड़ी जो है वो अपनी रेडी हो चुकी है, और गाड़ी रेडी होने के साथ साथ भाई आप देख सकते हो उसकी जो, मैंने आपको IPS वाले प्रोजेक्टर इसके पहले चेक नहीं कराया था, बट आप चेकआउट कर सकते हो भाई।
तो भाई इसके अंदर एच आई डी यूज़ की गई है क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ VNS के फ्लैशर भी ऑन कर दिए भाई। गाड़ी जो लग रही है आगे से वो हटो बचो वाली बातचीत लग रही है, आर पार वाला सीन लग रहा है पूरा गाड़ी का। और भाई आगे जो काम हुआ था ना वो अपना भाई एच आई डी का और LED का काम होता है, जो कि भाई मतलब ये जो गाड़ी है वो दिन निकालने वाली है। इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खड़े होकर तो भाई यहाँ देख सकते हो ठीक है दिन का टाइम है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको पूरा देखने को मिला। सिर्फ फॉगलम का इतना रिस्पॉन्स है, तो हेडलाइट का भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर दोनों जो है ना दोनों जब मिक्स होगी तो भाई काफ़ी ज़्यादा रोड पे आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा भाई ये देखो हाई लो वाला सीन जो चल रहा है। दिन के टाइम में भी इतना रिस्पॉन्स है तो रात में तो इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स हो ही जाएगा। इसके बाद भाई बात करते हैं गाड़ी के अंदर की जो इंटीरियर काम हुआ है भाई उसके बाद बात करते हैं। भाई इंटीरियर कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है इंटीरियर, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई एक बार दिखा देते हैं हमारी पब्लिक को भी इंटीरियर। भाई इंटीरियर में भाई मतलब ये अपना क्या सोचा था, कहीं देखा दुखा था, क्या सीन था इसका? भाई ये मैचिंग का ये चढ़वाई है, हाँ साइड की ये पट्टी ठीक है, मैचिंग की सीट कवर है, हाँ और ब्लैक कलर की छत करवाई है। अच्छा सारे मतलब मन में पहले सोच रखी थी कि इस तरह का कराना, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो अंदर सारे पिलर सब ये ब्लैक कलर के ही है, सारे पिलर भी कराए हैं। तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी हमारी कौन सा मॉडल है, S11 है? कौन सी है? S11 टॉप मॉडल है पूरी है, तो टॉप मॉडल गाड़ी है अपनी। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो भाई। ये लगी है कुछ एम्बिएंट लाइट जो कि भाई सिंगल कलर में होती है, जो कि भाई रात में आपको दिख जाएगा इसका रिस्पांस भी क्या होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रिस्पांस अभी नहीं दिख रहा, लेकिन रात के टाइम पे इसका रिस्पांस भी मिल जाएगा। बट अभी आप चेकआउट कर सकते हो भाई। नीचे लगी है इसके अंदर एम्बिएंट लाइट जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देख सकते हो भाई कितना ब्लू कलर इसका जो लग रहा है, इनहेंस जो है ना गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो भाई इसकी सीट वगैरह। तो भाई ये कुछ सीट है इसकी, जो भाई कपड़ा जो यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ किया है इसके अंदर। और यहाँ पीछे वाली सीट्स वगैरह आप देख सकते हो भाई, आर्म रेस्ट वगैरह पूरी पूरी सीट जो है वो एक नंबर लग रही है यहाँ पे। तो भाई ये कुछ सीट है इसकी ठीक है भाई। इसके बाद ही बात करते हैं इसकी छत की, तो यहाँ आप छत चेकआउट कर सकते हो। वेलवेट में पूरी की पूरी छत रखी है, पूरी ब्लैक रखी है, और गाड़ी का जो कलर है वो भी ब्लैक है, और अपना अंदर वाला जो सीन है पूरा ब्लैक है। तो भाई ब्लैक से मतलब ऐसा क्यों रखा आपने, ब्लैक क्यों रखा सारा? भाई भाई तुम बहुत बढ़िया हो। कलर की एक खासियत है ब्लैक कलर, कभी भी कलर नहीं बदलता। अच्छा बाकी सब कलर बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कह दी भाई भाई ने। तो भाई फिलहाल के लिए जो गाड़ी है वो एक नंबर लग रही है, और बाकी यहाँ पे 70 mat डाल के गाड़ी को बिल्कुल कर दिया है। एंड लेवल का सीन आप देख ही चुके हो, और 70 से भाई सही होता है। इसके नीचे फ्लोरिंग मैंने आपको दिखाई दी थी, पूरी गाड़ी के नीचे पहले फ्लोरिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पे आपको 70 mat मिल गया देखने के लिए। और सभी गेटों के अंदर भाई ये जो कपड़ा चेंज करके भैया ने यहाँ पे ये चीज़ करवा दी, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। आप सामने भी चेकआउट कर सकते हो, इवन इसके जो पीछे वाले गेट है भाई वो भी दिखाया था मैं, चेकआउट कर सकते हो भाई पीछे वाले गेट। ठीक है भाई ये चीज़ देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और देखो यहाँ 70 mat जो आते हैं ना भाई वो अपने एक नंबर आए थे, और ये पूरा पीछे तक रहते हैं यहाँ पे आपके, ये देखो ठीक है भाई। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि भाई आपको पता ही है, जो सारा काम है वो अपना ललित कार एक्सेसरीज पे हो रखा है। भाई काम में मज़ा आया नहीं आया क्या सारा? एक नंबर मज़ा आ रहा, एक नंबर मज़ा बांध। मार्केट में कहीं घूमे थे आप, क्या सीन था भाई? हम ना घूमे कहीं भी ठीक है, हमने यूट्यूब पे ही देखी थी इसकी। अच्छा और इसके भी थ्रू आए हमें। अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखी थी हमने ललित भाई की, उसके बाद आया भाई। गाड़ी का जो काम है वो तो फिलहाल एंड लेवल का हो चुका है, जितना भाई को चाहिए था उतना ज्यादा सब कुछ हो चुका है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और क्या कराओगे अब इसमें मॉडिफिकेशन? तो देख अलॉय व्हील, हाँ और भाई सिस्टम। अलॉय व्हील कितना सोचा आपने? 20 इंची कम से कम तो होने चाहिए। कम से कम 20 होगा, कम से कम 20 इंची। चलो कम से कम 20 होगा। उसके बाद भाई जब भी होगा तो भाई कोशिश करेंगे हम लेके आने की इसको दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये कुछ है, और उसके बाद इसके अंदर डोर वाइजर वगैरह काम हुआ था भाई, तो ये कुछ डोर वाइजर भाई। और गाड़ी जो लग रही है वो बाहर से भी हटो बचो लग रही है कुछ ब्लैक में, ये देख सकते हो भाई। तो भाई ये कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन का काम हुआ था, जो कि भाई पूरा का पूरा इंटीरियर जो है वो बदल के रख दिया, इवन इसकी जो छत है वो भी पूरी की पूरी कर दी है। तो रात में जो गाड़ी लगने वाली है भाई ऑसम लगने वाली है। ये कुछ है मॉडिफिकेशन गाड़ी की, और उसके बाद भाई पीछे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इधर रिफ्लेक्टर आते हैं भाई, ये नए वाले रिफ्लेक्टर आए हैं। तो पहले आपने देखे होंगे स्कॉर्पियो लिखा हुआ होता था, एक दूसरा पैटर्न होता था, बट यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई। तो कुल मिला के आएगी भाई गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन आगे से पीछे तक जितना हो सकता था भाई वो हो चुका है। इंटीरियर गाड़ी का पूरा बदल गया। एक बार बात करते हैं भाई सीधा ललित भाई से कि उनका इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है, अप्रोक्स इसके अंदर कितना खर्चा। यहाँ पे हैं शॉप के ओनर ललित भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो भाई काम अभी गाड़ी के अंदर हो चुका है लगभग, कितना टाइम लग गया था हमको करने में? लग गए सीट कवर हो गया, पिलर हो गया, छत हो गया, आपका स्टीयरिंग कवर हो गया, सब प्रॉपर हमने करे, फ्लोरिंग की है। अच्छा और लाइट वगैरह में क्या क्या लगाया हमने? लाइट देखो जी, एक आईकेट लगाया हमने ठीक है, टाइट लगाया, लेडी लगाई। अच्छा हाँ जी। तो ये HID कौन सी यूज़ की हमने? जीमर का। जिमर का। और रिफ्लेक्टर हमने जो लगाया वो नया पैटर्न आया, क्या हिसाब है उसका? नया जो पीछे रिफ्लेक्टर लगाया हमने, हाँ नया पैटर्न का, नया पैटर्न ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई वो। तो
भाई ये था कुछ ललित भाई की जो बातचीत है ना, वो कुछ ज्यादा ही गाड़ी। भाई कितनी स्कॉर्पियो वैसे हम कर चुके हैं अभी तक फिलहाल के लिए? कभी आज तक गिने ही नहीं भाई साहब कितनी की है। ऐसा है और ये काम ही ऐसा है भाई, आदमी आवे ना खुश होकर जावे, खुश होकर जाता है। बढ़िया काम करा है, एक नंबर को, बहुत बढ़िया गाड़ी बना दी, ठीक है, एक नंबर, मजा आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। तो ये थी भाई कुछ मॉडिफिकेशन स्कॉर्पियो की, जो कि भाई टॉप मॉडल था आपके सामने। फिलहाल के लिए भाई इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको भाई लेके आता रहता है। भाई कुछ कहना चाहता है? भाई के चैनल है, सब सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक कर दो, ठीक है। और भाई हमें गुड़गांव से बहुत दूर तक आए हैं, ठीक है, और दिल खुश कर दियो, ठीक है। बड़ी मुरली के राव साहब है दोनों भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये थी भाई की बातचीत कुछ थोड़ी सी, बाकी आप देख लेना भाई रिलेट कर पाओ तो। फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। जय हिंद जय भारत।